दोस्तों आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे हम जो है ट्रैप होते हैं। देखिए आप देखते हो ये मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखी है निफ्टी 8 अगस्त को, कल ही मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी 308 पुट में की थी नीचे में, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है देखिए 3.75 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ मैंने 275 में खरीदा, 290 का चल रहा है, ये पुट नीचे आ रहा है अभी आप देख सकते हो, और प्रॉफिट टोटल रिटर्न कितना 2.10। अभी आपको पता चलेगा अब कितना हो गया, 5 हो गया, अब 5 रुपये हो चुका है प्रॉफिट का, 5 रुपये अब 6 हो चुका है। और देखिए ये चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप ऊपर देख सकते हो कैसे जो है नीचे ऊपर हो रही है। यहाँ से मैंने एड स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना टारगेट लगाया है, यहाँ से आप देखते हो मैंने 25 लॉट खरीदे और 25 लॉट के बाद यहाँ पर भी टोटल रिटर्न में देख सकते हो आप 5 रुपये का जो है मेरे को रिटर्न मिल रहा है, 5 रुपये प्रॉफिट में है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम जो ट्रैप होते हैं, टोटल वैल्यू मैंने खरीदा 68 रुपये का खरीदा मैंने, कितने का 68 रुपये का खरीदा मैंने, 68 का खरीदा मैंने और एवरेज प्राइस क्या था 275 का और 25 लॉट थे, और आप देख सकते हो यहाँ पर 250 टोटल रिटर्न से ये आज का चल रही लाइव ट्रेडिंग हो रही, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है। देखिए ये खरीदा मैंने 295 का और ये 290 का हो चुका है, यहाँ से 2 डेज लो भी देख सकते हो आप, 2 डे हाई 14 था लेकिन मैंने पुट में खरीदा, इस साइड खरीदा मैंने 2 डे लो में और 2 डे हाई में, इसको देखना भी जरूरी होता है। अब ये 290 में अगर यहाँ से बढ़ते हैं ये तो हमारे पैसे बढ़ते हैं, पुट में भी अगर ये घटते हैं तो हमारे पैसे घटते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हमारे पैसे घटेंगे दोस्तों, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कैसे जो है हमारे पैसे घटने वाले हैं। देखिए ये 2 पेस्ट का हो चुका है और हमारे पैसे भी माइनस में होने लग चुके हैं, तो देखिए अभी ये हमारे पैसे जो रिटर्न मिला 2.5 रुपये का टोटल जो हमको रिटर्न मिला, यहाँ से लॉज ट्रिगर भी लगा सकते थे हम लेकिन लगाया नहीं है मैंने, यहाँ से लॉज ट्रिगर लगा सकता था लेकिन सेट नहीं किया मैंने, ओके सेट नहीं किया मैंने, 68 का खरीदा है दोस्तों, 68 रुपये चले जाएगी फिर भी कोई बात नहीं होती 68 रुपये की, लेकिन फिर भी मेरे कितने पैसे जाएंगे आपको बताऊंगा मैं, 3.50, 1.25 ये लाव चल रही है ट्रेडिंग, आप यहाँ से देखते तो ये कम हो चुकी है, अगर ये बढ़ती तो हमारे पैसे भी बढ़ते, अभी आपको पता चल जाएगा, इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को मिस मत कीजिएगा वरना तो आप ट्रैप हो सकते हो फिर ट्रेडिंग में, आप सारे पैसे लॉज कर दोगे, अगर आपको प्रॉफिट भी होगा फिर भी आपको लॉज होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो है बहुत अधिक लॉज होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये आपको कोई नहीं बताता है केवल ऐसे करो आपको रिटर्न मिलेगा, आप देख सकते हो इस शेड शेप गेट से भी आप जो है अपने पैसों को शेड शेप कर सकते हो, हमको टोटल रिटर्न हो चुका है 7 रुपये का, 8 रुपये का, अभी टोटल 10 रुपये का जो टोटल पर हमने जो है ऑर्डर एग्जिट हो चुके हैं, हम क्या है ऑर्डर एग्जिट हो चुके हैं दोस्तों, 10 रुपये का लॉज लेकर बाहर निकल चुके हैं, 68 में से हमारे कितने बचे दोस्तों, 68 में से हमारे बचे 58 रुपये, 58 रुपये बचे 68 में से हमारे, आप देख सकते हो अभी बताऊंगा मैं आपको, वीडियो को पूरा देखिएगा कैसे जो हमको ट्रैप किया गया है, 290 अगर ये ऊपर जाता 260 3 हो जाते तो हमारे बहुत सारा जो प्रॉफिट होता, लेकिन ये नीचे आ रहा है, पुट में खरीदा, पुट नीचे होता है फिर भी जो है हमको लॉज हो रहा है, क्या हो रहा है लॉज हो रहा है, और जो हमारा अभी आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम देखना भी होता है, कितने खरीद रहे कितने सेल कर रहे हैं इसके बारे में भी जानना होता है हमको, लाइव ट्रेडिंग में बिल्कुल देखे दोस्तों 40 रुपये बचे हमारे, कितने 40 रुपये बचे थे हमारे और कितने 58 रुपये का घाटा चला गया हमको, कितने 58 रुपये का घाटा चला गया, तो 53 रुपये का जो है हमको लॉज हुआ, आप देख सकते हो 97 रुपये का, और ये स्टॉक जो हमारी ये 53 रुपये क्यों हुए क्योंकि 20-20 रुपये जो है हमारे सेल करने के ले लेगी, कितने 20-20 रुपये सेल करने के ले लेगी, 90 में से हमारे केवल 40 रुपये ही बचे हैं,
90 में इसके इतने 40 रुपये ही बचे हैं, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग ना कीजिए ना इंट्राडे कीजिए, आप केवल SIP और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइएगा। हाँ जी।